अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ईद इंजॉय कर रहे होंगे। आज पांचवा दिन है ईद का, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। सही है, तो आज बता दूं कि आज हम आए हुए हैदराबाद, ईदी मिली तो हमने बोला चलो थोड़ा घूम कर भी आ जाए। अभी थोड़ा प्रोग्राम बन रहा है दरियाए सिंध पर जाने का, जो हैदराबाद में दरियाए सिंध बना हुआ वहाँ पर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। सारे बच्चे वगैरह सब हमारे साथ हैं, कामरन भाई भी हैं, वेश भाई भी आए हुए हमारे साथ। बोलने ईदी मिली है तो उसको खर्चा भी तो करना है। ईदी के पैसों से पिकनिक पॉइंट पे निकलेगा ईद के टाइम पर, सही है ना। अभी चलते हैं, अभी बच्चे भी दिखाने जाएंगे, वो दरिया सिंध का नज़ारा कराएंगे तुम्हें, सही है। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। चलो रेडी शेडी होगा, निकलते हैं बाहर, कामरन भाई भी निकलेंगे वगैरह। हमने पहली बार सारी टीमें चल रही है हमारी, वो आगे सबसे कामरन भाई हैं या वेज भाई हैं, फिर वो अनजा है, फिर इबाद है, फिर ये हमारे साथ छोटा मोहम्मद जबीर भी चल रहा है। पेंसर वगैरह आ गए भाई यहाँ पर, जबीर को गोद में ले लिया हमने। मोहम्मद जबीर थक गए, बिल्कुल थक गए। यहाँ हवा भी ऐसी चल गई, सो आ रही है, चेक करें तुम सर। ओह ये घास नहीं है, खेता बाड़ी होती ना। दरिया सिंध पर पहुँच गए पैदल ही पैदल, ये चेक करें। ये कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम कहाँ पर हो बताओ, बताओ कहाँ पर हो? फेस के ऊपर बोलो, दरिया सिंध के ऊपर है। मोहम्मद जबीर दरिया सिंध के ऊपर है भाई, ये हम पहुंच गया। मोहम्मद जबीर को कंधे पे बिठा दिया मैंने, क्या तुम पूरे नज़ारे करो, सही है ना। अवेश भाई ये चल रहे, कामरन भाई वो सबसे आगे चल रहे हैं। नहीं तो हालत बुरी हो गई पैदल चल चल के। अभी तुम्हें मैं दिखाता हूँ कितनी ऊपर से नीचे आए हम लोग। ठीक है देखो, ये सारे खेत हैं, सही है। वो सामने दिख रहा होगा तुम्हें दरिया से, ये चेक करें। अभी और ऊपर जाते हैं, हम ऊपर से दिखा दें तुम्हें। देखे नहरें बनी हुई है, इमरान भाई पूरी हमारी टीम चल रही है। सूरज ग्लोब होने का टाइम हो गया है, हवा भी ऐसी लग रही है बिल्कुल ठंडी, सही है। और सुकून मिल रहा है यार, इतने बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। सब बच्चों को लेके आ गए, व्यू चेक करें। ये देखिए पहाड़ी है, इधर सारी मोटरें वगैरह लगी हैं जो पहाड़ी दिखाई है, क्योंकि जो अपने पानी वगैरह आता है यहीं से उठता है सारा पानी, यहीं से मीठा पानी सप्लाई होता है, मोटरें लगी हुई होती हैं, सही है। वो यहाँ से उठा के पानी इलाकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये सारा मंजर है, एक वो पुल भी बना हुआ है वो जो जाम शोरे के नाम से, क्योंकि यार सारा समंदर जो है ना दरिया सिंध का, जाम शोरे इधर उधर सारे से टच होता हुआ जाता है, सारा पानी यहीं आता है। अभी सैलाब के अंदर ये पूरा दरिया सिंध भरा पड़ा हुआ था, सही है ना। अभी तो हम बहुत नीचे गिरे गिरे, मैं समझ लो जब आते ना देखो पहाड़ पत्थर किससे अंदाज़ा लगा लो कितना ऊपर और पानी कहाँ पर है। भैया घास में ये रेत पे भी देख के जाना पड़ता है, कभी कभार गड्ढा हो जाता है, बंदा नीचे चल जाता है। जब वहाँ पर टीले पे जा रहे हो वो जो रेत का टीला सामने, सही है। पूरी हो गई है, मोहम्मद जबीर को छोड़ दिया है, चेक करें। मोहम्मद जबीर कहाँ पर हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कहाँ पर हो अभी तुम? कहाँ पर हो? भाई आ गए चेक करें, वो तगत क्या है? मदारा चेक करें, सूरज डूब रहा है, सही है। सूरज डूबने का टाइम हो गया है, पानी आया था ना, पता नहीं देख रहे। या या भाई रेत का टीला, इसमें कामरन भाई बोलने पेड़ ढसने, जबीर को मैं पकड़ लेता हूँ। चलो जबीर बाकी में पेड़ ढसने ये चेक करें। जबीर चलो ऊपर ऊपर चलो, ये मिट्टी देखो किस मिट्टी, वो हवा ऐसी लग रही है, ये चेक करें, जाती भी दिख रही है मिट्टी। ये मोहम्मद जबीर के पेड़ मेरे भी ढस रहे हैं भाई, ये देखें। यहाँ का उचाट ऊपर, ये चेक करें नीचे समुंदर कितना नीचे है। ये पूरा रेत का ठिला ही ऐसा ना, गड्ढा आते कभी कभार उठा हुआ दिख रहा तो नीचे रहो कितना गड्ढा है। ये देखें, ये वो पहाड़ी है जिस पर हम खड़ों के तस्वीर वगैरह देखते हैं, ये समझ लो उससे हम बहुत नीचे हैं। ये देखो सारा थोड़ा थोड़ा पानी है, अगर ज़्यादा नीचे जाएंगे कहीं भी अचानक गड्ढा आता है बंदा नीचे ढस जाता है। पुल नज़र आ रहा है वो सामने में, सुन करके दिखा दूँ
ये देखें, ये ट्रेन भी जाती है इसके ऊपर से, वही वाला पुल है जो मुर्तसिम के उसमें ड्रामे वगैरह में दिखा रहे तेरे बिन में, ये वही पुल है। हमारे पास ड्रोन नहीं है वरना मैं ड्रोन करके दिखाता, मैंने जूम करके दिखाया। दो पुल हैं, एक आगे एक पीछे। अब हम जा रहे हैं वो पत्थर वो तुम्हें जो दिखाया था ना, जूम करके दिखाता हूँ। ये स्टीले के ऊपर जाएंगे, अभी यहाँ से बहुत दूर है, जूम करके दिखा दिया। ये बुगला पकड़ो ना यार, इसको पकड़ो। देखो कामन भाई कितने से दिख रहे हैं, अब इससे अंदाजा लगाओ कितनी दूर होंगे इस पहाड़ी से। ये देखें आ रहा भाई पहाड़ पे। अब पानी का व्यू चेक करें, ये देखें जो मोटरों का बता रहा था, देखें सारी मोटर ये लगी। ये देखें पाइपलाइन पूरे समंदर नीचे दरिया में जा रही है, वहाँ से पानी उठाते हैं और शहरों के अंदर भेजते हैं। नीचे बंदों की शूटिंग चल रही है, चेक करें। देखें शूटिंग चल रही है बंदों की नीचे, ठीक है। ये सारे हम यहाँ पत्थर पे आ गए, बैठ गए। अभी भाई क्या वो हालत बुरी हो गई क्या चल गए? हाँ भाई बहुत दूर पड़ रहा है, बहुत दूर है वो। वहाँ से हम आए, वो सामने से वो जो टीला नज़र आ रहा है, कहाँ पर हो रहा हो रहा हो रहा, वो सामने टीला दिख रहा है ना, उसमें से इधर से आए हम पैदल। ये तो व्यूज चाहिए, ये भाई वापसी जा रहे हम। मोहम्मद जबीर साहब दोबारा थक गए, इनको कंधे पे हमने दोबारा बिठा लिया, सही है। ये सारे दोबारा जा रहे हैं, कामरन भाई फिर ट्रेन तेज गाम तेज जा रही है। नहीं नहीं ये रोड बना दिया, पहले सारा कच्चा था। ये देखिए सारे खेत तैयार हैं, ये सारी ये पे कुत्तर है जानवरों को बकरीद पे खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो आगे जो लगा हुआ है ये पालक लगा हुआ है और बाकी कुछ कटा हुआ है, सही है। अब ये कल या पत्नी कितने दिन में कटेगा, अगर अभी कटता तो मैं दिखाता हूँ, अभी कटा नहीं है, सही है। झूला झूला गया तुम मोहम्मद जी, कौन सा वाला झूला भाई? ये बंदे रेडी हैं झूला झूलने के लिए, ये चेक करें। और एक आगे खड़ा हुआ है, ये झूला खाली करवा दिया हमने। ये भाई जा रहे हैं, ये बच्चे पहुँच गए इनके साथ, उतरेंगे जल्दी जाना है। मोहम्मद जबीर झूला है झूला भाई, ये देखिए मोहम्मद जबीर को झूला वगैरह झूला दिया, तो पानी की बोतल ली थी, पानी पीने थकने हालत भी हो गई। देखें भाई आराम से, ये घर पहुंच गए, देखते हैं सीना खाने का सिस्टम है नहीं, फिर देखते हैं घर पर पहुंच गए। हालत बुरी हो गई, पैदल चल चल के पैदल गए थे यहाँ से घर से, वहाँ पैदल वापसी आया, बच्चों को झूला भी झुला दिया। कामन भाई भी यहाँ लेटे हैं, अभी देखते हैं खाने का क्या सीन है, खाना बना ही नहीं बना, लेकिन लग नहीं रहा खाना बना, अगर बना हुआ तो खाना भी खा लेंगे, वरना तो देखते हैं क्या देंगे भाई। जानी खीरे की दुआ खा लेगी, ये चेक करें। ओ मसाला लगाया हुआ है, हैदराबाद का खीरा, ये हैदराबाद का सिंध का खीरा, ये सही है। अभी टेस्ट करते हैं इसमें, कराची में नहीं मिला जीरा, ये कराची में मिलते ही नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ही नहीं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरीन मज़ा आ गया खा गया, यकीन जान। हाँ कामरन भाई तुम तो आगे आगे चल लेते यार, थकन बहुत हो गई थी, थकन इसीलिए ले ले चल लेते, प्यास लग रही थी बहुत पानी। अच्छा तो पानी तो तुम मेरे को तो बोलते पानी ले लेते भाई, खाना निकाल दिया। घर की बिरयानी की बात ही अलग है। खाना वगैरह अपने खा लिया, सही है। थोड़ी देर नींद लेता है क्योंकि सुबह का भी प्रोग्राम बना हुआ, अली भाई का फोन आता 7 बजे, बोलते थे 7 या 8 बजे, इस टाइम भी जाएंगे, जब जाएंगे भी टाइम भी देखो।
ये चेक करो घड़ी में, 11:15 का टाइम हो रहा है, सुबह जल्दी उठना है। सही है, यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते, कल वाले ब्लॉग में मिले साहब से। अल्लाह हाफिज़।